पिछले वीडियो में हमने 6 अलंकार सीखे थे, अभी हम आगे के अलंकारों को सीखेंगे। 2 अलंकारों को मिलाकर एक नया अलंकार। 1 2 1 2 3 सा रे सा रे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पा धा पा धा पा धानी धानी रानी सा सानी सानी धा नी धानी धा पा धा पा मा पा मा पा मा गा मा गा मा गा रे गा रे गा रे सा। अगला है 1 2 3 1 2 3 4, ये क्रम रहेगा स्वर का। सा रे गा मा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी पा धा नी सा सा नी दा पा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे मा गा रे सा। स्वर के बीच में एक एक स्वर का अंतर लेकर हम गाएंगे, एक एक स्वर छोड़कर गैप करेंगे। सा के बाद रे आता है, लेकिन हम रे को अगर छोड़ देंगे तो सा के बाद सीधे गा पर आएंगे। तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम यही नियम आगे के स्वरों पे भी अप्लाई करते जाएंगे। सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। अब 2 स्वर का अंतर लेंगे, 2 स्वर छोड़ के गाएंगे। सा के बाद रे और गा छोड़ देंगे तो सीधे मा पे आएंगे। फिर यही चीज़ हम रे के साथ करेंगे, यही हम ग के साथ करेंगे। और नियम अपनाना है, बीच के 2 स्वरों को छोड़ देना है जब तक सा नहीं आ जाता। सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा सा पा नी मा धा गा पा रे प्रकार हमको इतने अलंकार नियमित करना है। इससे ही हमारी आवाज़ में बहुत सारी लोच आ जाएगी, स्वरों का स्थान हमारे गले में आ जाएगा, हमारी आवाज़ एक शेप ले लेगी। लेकिन ये नियमित हमको कम से कम एक अलंकार 5 बार करना है, बहुत कम लय में कुछ समय तक। और उसके बाद जब ये अलंकार हमें सेट हो जाएंगे हमारे गले में कि हम सोचें और हम गा सकें, तब उसकी लय बढ़ाएंगे और आकार में भी करेंगे।